पिछले एपिसोड में आपने देखा, कुशल जैसे ही पहली तीर में हीरा लगाता है, तेज रोशनी निकलती है और पहली तीर गायब हो जाता है। कुशल समझ जाता है कि पहली तीर का पावर को संभालना इतना आसान नहीं है। कुशल वापस गुफा के अंदर जाता है तो वहां उसे एक टाइम मशीन मिलती है। अब कुशल सोच में पड़ जाता है कि पहली तीर कौन से युग में चली गई होगी जहां उसका पावर कोई संभाल सके। शायद रामायण युग में भगवान श्री राम ही उसे संभाल सकते हैं। कुशल टाइम मशीन के अंदर जाने की कोशिश करता है तो टाइम मशीन लॉक होती है। कुशल को ये कोड सॉल्व करना होगा टाइम मशीन के अंदर जाने के लिए। कुशल को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्या आप देख के बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 5 + 3 = 28 है, तो 28 का पहला नंबर 2 आएगा 5 - 3 से और दूसरा नंबर आएगा 5 + 3 से, तो ऐसे 5 + 3 हो गया 28। आप बाकी नंबर के लिए भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो वैसे ही 7 + 3 हो जाएगा, पहले नंबर के लिए 7 - 3 मतलब 4 और दूसरे नंबर के लिए 7 + 3 मतलब 10, तो हो जाएगा 410। कुशल जैसे ही 410 कोड प्रेस करता है, टाइम मशीन ओपन हो जाती है। कुशल टाइम मशीन के अंदर जाता है। Welcome to time machine. You can use it to travel wherever you want. पर कुशल को टाइम मशीन के पहेलियों का जवाब देना होगा, तभी कुशल टाइम मशीन को यूज कर पाएगा। कुशल, मुझे रामायण युग में लेके चलो। तो टाइम मशीन कुशल से 3 पहेलियां पूछती है। पहली पहेली, कुशल इस पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ, ये रामायण युग में किसका नाम है? क्या आप देख के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और कुशल बता देता है कि ये राजा दशरथ है। तो टाइम मशीन कुशल से दूसरी पहेली पूछती है, अब इस पिक्चर को देखो और बताओ कि ये रामायण युग में कौन है? आप भी ध्यान से देखें और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कुशल इसका भी जवाब दे देता है, ये सीता है। तो टाइम मशीन कुशल से तीसरी पहेली पूछती है, अब इस पिक्चर को देखो और बताओ ये कौन है? आप भी ध्यान से देखें और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जवाब है रावण। कुशल इसका भी जवाब दे देता है। कुशल तीनों पहेलियों का जवाब सही से दे देता है तो टाइम मशीन कुशल को रामायण युग में लेके चले जाती है। कुशल रामायण युग में पहुंच जाता है। वो वहां देखता है भगवान राम और सीता दोनों बैठे हुए हैं। तभी वहां एक बहुत सुंदर हिरण आता है। सीता राम को हिरण को पकड़ने बोलती है तो भगवान राम हिरण के पीछे भागने लगते हैं। हिरण एक जादुई जंगल में पहुंच जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पेड़ घूमने लगते हैं। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं हिरण कौन से पेड़ के पीछे होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। भगवान राम हिरण को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वहां सीता नहीं होती है। रावण सीता का अपहरण करके ले जाता है।
कुशल वहां पे पहली तीर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पहली तीर नहीं मिलता। कुशल टाइम मशीन को यूज करके रामायण युग में आगे बढ़ता है। कुशल समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, जहां भगवान राम की सेना रावण पे युद्ध की तैयारी कर रही थी। समुद्र बहुत लंबा था और इतनी बड़ी सेना समुद्र पार कैसे करेगी? तो कुशल देखता है कि पत्थरों पे राम का नाम लिख के हनुमान जी और सेना एक ब्रिज बना रहे हैं। समुद्र समझ लीजिए 100 किलोमीटर लंबा है, और अगर एक स्टोन 1 मीटर बड़ा है तो क्या आप बता सकते हैं कितने पत्थर लगेंगे ब्रिज को बांधने के लिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 1000 पत्थर लगेंगे, तो टोटल 100 किलोमीटर है, मतलब 100 × 1000 1 लाख स्टोन्स लगेंगे ब्रिज को बांधने के लिए। कुशल यहां भी पहली तीर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पहली तीर नहीं मिलता। कुशल टाइम मशीन को यूज करके समय में और आगे जाता है, तो वो देखता है कि हनुमान जी एक पहाड़ उठा के जा रहे हैं, जिसमें कुछ बूटियां हैं जो लक्ष्मण जी को बचा सकती है। समझ लीजिए हनुमान जी 1000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ रहे हैं, और हवा उनके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और यहां से लंका की दूरी है 900 किलोमीटर। तो क्या आप बता सकते हैं हनुमान जी को कितना समय लगेगा लंका तक पहुंचने के लिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। हनुमान जी 1000 की स्पीड से उड़ रहे हैं और हवा उल्टे डायरेक्शन में है, तो हनुमान जी की स्पीड हवा की स्पीड के वजह से कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1000 - 100, मतलब 900 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल दूरी 900 किलोमीटर है, तो हनुमान जी को लगेगा 1 घंटा 1 आवर लंका तक पहुंचने के लिए। कुशल को यहां भी पहली तीर नहीं मिलता, तो वो टाइम मशीन को यूज करके समय में और आगे बढ़ता है। कुशल राम और रावण के युद्ध के बीच में पहुंच जाता है। युद्ध तीरों से चल रहा था। चलिए बताइए, अगर 5 लोग 5 सेकंड में 5 तीर छोड़ रहे थे, तो 25 लोग 25 सेकंड में कितने तीर छोड़ेंगे? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 5 लोग 5 सेकंड में 5 तीर छोड़ रहे थे, मतलब एक इंसान को 1 तीर छोड़ने के लिए 5 सेकंड लग रहे थे, मतलब एक इंसान 25 सेकंड में 5 तीर छोड़ पाएगा। टोटल 25 लोग है, तो 25 सेकंड में 25 लोग 5 × 25 तीर छोड़ पाएंगे। राम तीरों से रावण पे प्रहार करता है और रावण की मृत्यु हो जाती है। कुशल यहां भी पहली तीर ढूंढ ही रहा था कि उसे भगवान राम के पास पहली तीर दिख जाता है। भगवान राम बोलते हैं, कुशल मैं तुम्हें देख रहा था, तुम पहली तीर की तलाश में यहां आए हो। पहली तीर देने से पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा, बताओ वो क्या है जो ऊपर जाता है और नीचे भी जाता है पर कभी हिलता नहीं है? आपको क्या लगता है क्या होगी ये चीज? आपका आंसर कमेंट कीजिए। कुशल इसका जवाब दे देता है, स्टेयर्स, सीढ़ियां। तो भगवान श्री राम कुशल से प्रसन्न होकर उसे पहली तीर दे देते हैं और सीता को लेके वापस अयोध्या चले जाते हैं। राम जी के वापस अयोध्या आने की खुशी में ही दीपावली बनाई जाती है, हैप्पी दिवाली, और वहां कुशल पहली तीर लेके वापस आ जाता है। क्या होगा आगे देखते हैं अगले वीडियो में।
कुशल सीरीज का सीजन 1 यहाँ देखे और इस सीरीज का पिछला एपिसोड यहाँ पे देखिए। थैंक यू।